बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम इस्तखार अशरफ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज आपके लिए मैं एक नुस्खा लेके आया हूँ मोटापे के लिए। जिन भाइयों को, जिन बच्चियों को, जिन बहनों को मोटापे का मसला, उनके लिए कि मैं अच्छा नुस्खा लेके आया हूँ ताकि मोटापे से मुस्तकिल इंशाल्लाह जान छूट जाए। तो जो साथी इस मसले में, जिन साथियों का ये मसला है, वो साथी मेरा नुस्खा इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफा देगा। सबसे पहले, जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको मिल जाए, जल्दी मिल जाए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करें, कमेंट्स में मुझसे रब्ता करें। कोई साथी खुद से नुस्खा तैयार ना कर सकता हो तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा नुस्खा दिया होता है और अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो दिया होता है। तो जो साथी भी कोई रब्ता करना चाहे, किसी वजह से भी कोई भी नुस्खा तैयार ना कर सके या ख़ुद मंगवाना हो तो वो रब्ता कर सकता है। अगर वो नुस्खा तैयार करने में कोई तंगी महसूस कर रहा, तो कुछ मालूमात ऐसी जो मैंने शायद वीडियो में ना अच्छी तरह बताई हो, तो वो मेरे साथ वो पूछ सकता है, मुझसे कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर करें, मैं इंशाल्लाह रहनुमाई करूँगा अपनी तरफ से मुकम्मल। तो आते हैं नुस्खे की तरफ। तो सबसे पहले आपने लेना है तुम्मा, ठीक है जी, हरड़। तुम्हें के बाद आपने हरड़ लेनी है, उसके बाद आपने काली मिर्च लेनी है, सुंड लेनी है आपने, ये तमाम चीज़ें आपने 5-5 तोला ले लेनी है। तो आपने शहद मिला लेना, इनको पीस के अच्छी तरह पीसने के बाद आपने इसमें जो है ना शहद मिला के हसबे ज़रूरत, जिनके छोटे चने जितनी आपने इसकी गोलियां बना लेनी हैं। तो दो गोली आपने सुबह और ताज़ा पानी के साथ और दो गोली आपने शाम को इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर करे, खाना भी हज़म होगा, मैदा भी इंशाल्लाह ठीक रहेगा, भूख भी सही लगेगी और मोटापा भी दूर होगा इंशाल्लाह। जो मेन मसला है मोटापे का, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह दूर होगा, अल्लाह पाक की ज़ात खैर करे। तो किसी साथी को भी अगर मेरी वॉइस की समझ ना सही तरीके से लगी हो तो वो डिस्क्रिप्शन में पूरा नुस्खा कॉपी कर सकता है, कोई मसला नहीं है, मैंने पूरा नुस्खा उधर लिखा होता है। वीडियो सुनने का मकसद ये है कि आपने नुस्खा तैयार कैसे करना है। तो नुस्खा मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया कि आपने ये तमाम चीज़ें जो है ना इनका सफूफ तैयार कर लेना है अच्छी तरह, बिल्कुल जैसे धूल होती है इस तरह बिल्कुल ब्रीक आपने सफूफ तैयार कर लेना है। और ब्रीक सफूफ तैयार करने के बाद आपने इनमें इसमें शहद मिला के तो इसको जो है ना आपने गोलियाँ बना लेनी है, गोलियाँ खुश करने के बाद आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर करे, अल्लाह पाक शिफाए कुल्ली देगा इंशाल्लाह। जो साथी ऑर्डर देते हैं, मंगवाते हैं, अगर एक आध दिन छुट्टी की वजह से कोई नुस्खा लेट हो जाता तो वो जज्बाती होकर बार बार कॉल ना किया करें। इंशाल्लाह जो नुस्खा उनको मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ, जो रसीद देते हैं TCS वाले, तो जल्दबाज ना बना करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो नुस्खा वो इनके पास इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहुँच जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर करे, अल्लाह पाक आपको शिफाए कुल्ली दे। ये किसी साथी ने बाहर मेरे ख्याल में ना मोटरसाइकिल जो है ना वो गी गी करवा रहा है मोटरसाइकिल की, तो आवाज़ शायद, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, मैंने दोबारा मैंने वीडियो नहीं बनानी, जो मैंने बना दी अभी वो इंशाल्लाह फुल मैंने कर दी है। जो साथी अल्लाह पाक की ज़ात खैर करे, जो साथी जो मुसलमान भाई इस दुनिया से चले गए हैं उन सब के लिए दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। मेरे दादी दादा, मेरे नानी नाना, मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके जो भी अजीज़ व अक़ारिब इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह रब्बुल सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। जितने भी मुसलमान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आज तक इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक की ज़ात सबको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।